पहले हिला या अभी दबा दबा के पानी निकाल पानी रही है। निचारना पड़ेगा अभी, देखिए ना ये काम ही जब तक ऐसा है। हिलाएगी नहीं और जब तक उसको दबाएगी नहीं तब तक पानी निकलेगा पानी ही नहीं, निकलता है है। ना। अच्छा सिर्फ मुंह में, वहां हाथ से हिला के पानी निकाल रहे तो मुंह में भी पानी आ रहा है। क्या को हिला रही है रे? क्या क्या का शर्म लग रहा है? हिला रही तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्या को हिला रही है? आपको भी देख के चौंक जाएंगे हम क्या हिला रहे सच में तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बदन हिल रहा है रे। आराम आराम से हिलाओ ना, जोर देना पड़ता है तभी बताइए। देखिए प्रेम से वो हिला रही तो इधर मैं भी हिल रहा हूँ, लेकिन आराम आराम से हिलाओ ना, वैसे करके मत हिलाओ ना, नहीं तो फिर ज्यादा हिलाएगी तो उसका जो है ना पूरा पतला पतला चमड़ी हो जाएगा टुकड़ा टुकड़ा। आप ना बहुत बदमाश है, ठीक है लेकिन रुकिए मत हिलो ना, रुको ना। हम छोड़ देते, देखते हैं कैसा कैसा होगा, फिर हिलाने के बाद ही होता है वो। नहीं हिलाएगी तो फिर मजा ही नहीं आएगा। हाँ फिर वही तो बात है ना, वैसे आपको लगता है कि अच्छा इसलिए तो हिलाना पड़ता है। हिला हिला के आइटम निकालेंगे है ना, हिला हिला के ना उसका आज कचुमर बना देगी। और बनेगा क्या उसका, गोल गोल। हिला हिला के गोल गोल निकाल देगी उसका। क्या बनाने वाले फिर? हिला हिला कितना जोर से हिला रही है, जो बनेगा ना एक हाथ से, एक हाथ से इधर पकड़ के हिला रही है, एक हाथ से इधर खाना पका रही है ना। ये चावल पकेगा नहीं जी? अरे हाथ नहीं धोई रे कैसा क्या यार तू, हिला रही है तो हाथ तो धोके कम से कम चावल को ये करना चाहिए ना, वैसे गंदे हाथ से चावल को ये कर ली। चुप रहो आप। अब चुप रहने की क्या बात है इसमें, सही तो बोल रहा है। देखिए दोस्तों कितना जोर जोर से हिला रही है, देवर लोग को देख के मजा आ जाएगा। आवाज भी आ रहा है यार कैसा। क्या लेकिन तुम हिला हिला के कर क्या रही है? सुबह से तो तभी से आई हूँ, आया हूँ मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तभी से हिलाना चालू कर दी है। क्या करें, मेरा काम ही वही है ना। वही तो बोल रहा हूँ, तभी से यहाँ पे नहीं था तो मैं हिला नहीं रही थी, अभी हिलाने लगी है ना। दोनों हाथ से देखिए खाना पका रही यार। अरे हाथ तो धो लो ना, हाथ में कितना गंदा लग गया देखो तो हिलाने के चक्कर में। चलता है क्या? चलता 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 है तो आप आज, आज आज हिल, आज हिला हिला के खिलाएगी तो बड़ा मजा आएगा ना खाने में। आपको जो है ना वही तो बोल रहा हूँ, आज हिला हिला के खिलाएगी तो खूब मजा आने वाला है, टेस्टी टेस्टी लगेगा। अभी आपको परेशान मत कीजिए, हम साफ करने दीजिए। तुमको कैसा लगता है हिला हिला के खाती है तो? मुझे तो बहुत टेस्टी लगता हिला 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 के उसका जो है बनाएगी आइटम और खाएगी तो कैसा लगता है? बहुत बहुत टेस्टी लगता है, बहुत स्वाद आता है हिला हिला के जब उसका आइटम बन जाता है तो, है ना, ऐसे खाने में नहीं मजा आता। ये देखिए दोस्तों कितना जोर जोर से हिला रही है। अभी कितना कंफ्यूज करेंगे हमको। और गाइस ये क्या हिला रही है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, पकड़ो तो कैसे पकड़ी हुई है, ये देखिए कैसे पकड़ी, आप देखिएगा तो आपको अभी वहां से छूट जाएगी, और कैसे पकड़ के हिला रही है। आप लोग आग बंद कर लीजिए फिर। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे देखिए, ये देखिए, और इसका जो है आज क्या बनने वाला है, कोफ्ता, कोफ्ता कद्दू का कोफ्ता बनने वाला है। और इसमें देखिए हाथ में कितना गंदा लगा लिया है, कद्दू को छील के पूरा पानी पानी निकाल दिया है। ये पानी मैं लगाती नहीं हूँ चेहरे पे, आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए देखिए ग्लो कर रहे हमारे हाँ, चेहरे। लगाओ लगाओ अच्छा से लगाओ, और हिला हिला के ज्यादा पानी मत निकालो कद्दू का, नहीं तो फिर उसका भी कैसे करेगी उसको, फिर निचोड़ के उसका पानी पूरा निकालना पड़ेगा ना। पूरा निचोड़ के फिर इसको इसमें बेसन मसाला सब लगा के फिर इसका गोल गोल बनाएंगे बड़ी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने कद्दू का कोफ्ता खाया है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे घर में आज सुबह सुबह माला बना रही कद्दू की कोफ्ता, यहाँ पे देख पा रहे हैं किचन में जो इसका काम चालू है। और मैं तो अभी नहाया धोया भी हूँ नहीं, देखिए
क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो इसको जुलाब लगा था ना तो थोड़ा तो अभी अच्छा लग रहा है, और इनको ठीक करने के चक्कर में मेरा ही सर उठने लगा। सर इसका ही दर्द होने लगा। कल दही खाई थी मैं शाम के समय, इस वजह से भी हो सकता है, इसी की वजह से मेरा सर पकड़ लिया। बाल सब भी देखिए मेरा कैसा हो गया है। मैं भी वीडियो बनाने के इसमें नहीं थे मूड में, और मैं ऐसे ही काम कर रही थी तो हस्बैंड जी आ गए, बोले चलो बना लेते तो हैं देवर लोग के लिए हम। तो आज का जो है गाइस ये आपका आपके साथ जो वीडियो शेयर किया हो ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा सर मुंह में वहां हाथ से हिला के पानी निकाल रहे तो मुंह में भी पानी आ रहा है। तो चलिए गाइस मिलता हूँ एक दूसरे वीडियो में, और जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए। तब तक यहाँ पे माला हिला हिला के बना रही है कोफ्ता, अब छोटा हो गया हिला हिला के। तभी से बहुत बड़ा था जब हिला रही थी तो, लेकिन उसको यहाँ पे देखिए छोटा कर दिया है ना, इतना बच गया है। तो चलिए गाइस बहुत टेस्टी लगता, नहीं तो ऐसे ऐसे ये कद्दू नहीं पकता है, हमारे गाँव वाला नहीं है, हमारे गाँव में तो भाप में पक जाता है। और इधर देखो कैसे इसमें से पानी निकलता है। और तब इसे आधा घंटा से हिला रही थी तब जाके ये सारा इसका ये हुआ है। हाँ। इसका बना है सामग्री। और अभी देखिए ऐसा दबा दबा के उसका कैसा पानी निकाल रही है। है ना। हाँ। पहले हिलाई अभी दबा दबा के पानी निकाल रही है। पानी निचारना पड़ेगा अभी, देखिए ना ये काम ही ऐसा है जी। आप मुझे तो ये सब करने के बाद बन जाता है ना, तब मुझे ऐसा रिलैक्स फील होता है। जब जब तक हिलाएगी नहीं और जब तक उसको दबाएगी नहीं तब तक पानी निकलता है। ऐसा इसकी कहानी। तो चलिए गाइस आप लोग भी आ जाइए हमारे यहाँ कद्दू का कोफ्ता खाने के लिए। हाँ। मिलता हूँ फिर से आप सब से, भाभी के हाथ का। तो मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।